बड़े हर्ष के साथ मैं अपने सभी प्रेस भाइयों बंधुओं से आग्रह और निवेदन करने के लिए, अनुनय विनय करने के लिए आपको यहाँ पर अपने घर पर बुलाया है। शहीद भवन में बुलाना चाहिए था, शहीद भवन नहीं बुलाने के कारण कि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और काम चल रहा है, वहाँ बैठने की थोड़ा किल्लत है, दिक्कत है बारिश का मौसम है, इसलिए मैंने आपको सादर निमंत्रण यहाँ दिया है आपको आने के लिए। साथियों, दिन मंगलवार परसों हमारे राज्य के स्तर के नेता और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बहुत दिनों के बाद आरा में पधार रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन और हमारे नए नियुक्त अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश बाबू का अभिनंदन और स्वागत करने का हम लोग का कार्यक्रम है। हमारे साथ दाहिने हमारे जिलाध्यक्ष अशोक जी, अशोक कुमार राम जी दाहिने हैं, और हमारे बाएं सुकुमार सिंह जो मेरे कमेटी के परिय उपाध्यक्ष रहे वो हैं। मेरे उसके बाद यूथ कांग्रेस के राज्य के मेडिकल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सिंह आपके पास बैठे हुए हैं। हम चार आदमी आज बैठे हैं आपके बीच में। आपको निमंत्रण इसलिए दिया है, आपको आग्रह करने के लिए कि सारे प्रेस रिपोर्टर्स कांग्रेस को समर्थन दें, और इस बार जो 24 के चुनाव पार्लियामेंट के होने जा रहे हैं उसे जोरदार रूप से आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में एक नफरत की राजनीति, नफरत की राजनीति का आला ये हालत हो गई है कि वो एक आतंकवाद के जैसा प्रतीत हो रहा है दिल्ली की सरकार का। आज कनाडा से रिलेशन खराब हो गया सिख भाइयों के लेके, कल अमेरिका से रिलेशन खराब होगा आपको, कल इंग्लैंड से आपका रिलेशन खराब होगा कि इंग्लैंड में हमारा 3 पार्लियामेंट के मेंबर सिख भाई हैं, हमारे जितना सुनक वगैरह जितने ये लोग हैं सारे सिख कम्युनिटी के लोग, सरदार कम्युनिटी के लोग हैं। आज सरदार, कल मुसलमान से लड़ाई थी, आज सरदार की लड़ाई को दिखाई देने लगा, कल क्रिश्चियन से मिजोरम में लड़ाई हो रहा है। इस तरीके से हर जगह, हर राज्य में, एक एक राज्य में लड़ाई का वातावरण बनता जा रहा है। ऐसे हालात में हमारे बीच में मंगलवार को अखिलेश प्रसाद सिंह सांसद और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश बाबू उपस्थित होंगे, उनके साथ में AICC के महासचिव और बड़े कांग्रेसी नेता श्री तारिक अनवर जी उपस्थित होंगे, उनके इनके साथ श्री निखिल कुमार पूर्व राज्यपाल केरल और नागालैंड के मामलों का, और अभी अध्यक्ष राजनीतिक मामला बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं वो भी उपस्थित होंगे, डॉक्टर शकील अहमद खान नेता कांग्रेस विधायक दल, माननीय श्री डॉक्टर जावेद जो एकमात्र बिहार के हमारे कांग्रेस के सांसद हैं वो भी उपस्थित होंगे, और अभी CEC सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं वो भी उपस्थित होंगे, माननीय मदन मोहन झा जी जो पूर्व अध्यक्ष और MLC हैं वो भी उपस्थित होंगे, माननीय डॉक्टर अशोक कुमार जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार के वो भी उपस्थित होंगे, आदरणीय नरेंद्र कुमार पूर्व MLA नवादा वो भी उपस्थित होंगे, श्री कृपानाथ पाठक जी जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार के हैं वो भी उपस्थित होंगे, डॉक्टर अंशुल अभिजीत जो AICC के हमारे प्रवक्ता हैं वो भी उपस्थित होंगे, और कितने बड़े नेता होंगे सारे के सारे उपस्थित होंगे पता नहीं अभी, और इतने लोगों का तनाव, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका फोटो भी ले लें भैया, इनका फोटो भी आप ले लें, ये हम लोगों ने निमंत्रण आमंत्रण का काम शुरू कर दिया है, आपसे आग्रह है कि इसका फोटो भी लेकर हम लोग को प्रचार प्रकाशित करें। परसों के दिन में आप उपस्थित हों, आपको बैठने का, आपको रहने का हम प्रेस का अलग एक दीर्घा बनाएंगे जी, दीर्घा बनाएंगे जिससे कि आपको कोई कठिनाई नहीं हो, अगर आपको कोई कठिनाई उस दिन आपका फोटो करने में या आपको प्रेस में करने में काम करने में दिक्कत होगी तो मुझे जरूर आप उसी वक्त इतला करेंगे, हम उसी वक्त समस्या का समाधान करेंगे जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं हो। साथ साथ अध्यक्ष जी के रात्रि विश्राम है आरा सर्किट हाउस में,
आप लोग को अकेले अकेले में लंबी तकरीर लंबी बात करने का भी काफी अवसर मिलेगा। सारे प्रेस वालों को बारी बारी से हम 20-30 मिनट का टाइम दिलवाएंगे, जिससे कि आप लोग बारी बारी से बात करें। इन्हीं चंद शब्दों का साथ मैं पुनः आपको आने का अभिनंदन। परिवर्तन संकल्प रैली का मुख्य उद्देश्य क्या होने जा रहा है? आइए, दिल्ली के चुनाव जो 24 को होने जा रहा है उसकी हम लोगों ने आज से ही शुरुआत की है, और ये दिल्ली की सरकार की परिवर्तन का प्रथम आहट आपको सुनाई देगी मंगलवार को 26 तारीख से। इसकी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया है दशहरा से पहले, और दशहरा के बाद ये अभियान और हम लोग का सघन हो जाएगा। सर, रूट चार्ट क्या रहेगा? रूट चार्ट है कोइलवर से एंट्री लेने के बाद कोइलवर और कैम नगर होते हुए धराहरा पुल पार करने के बाद दूस कटोरा मोहल्ला में घुसेंगे, और दूस कटोरा मोहल्ला से घुसते के आनंद देवी होते हुए हम लोग का प्रयास हो कि माँ आरण्य का भी दर्शन करा दे अपने अध्यक्ष को, और वहां से हम लोग कराते हुए आ जाएंगे गोपाली चौक, और गोपाली चौक से टाउन थाना होते हुए हम लोग शहीद भवन के पास जाएंगे, जो हमारा कांग्रेस मैदान है वहीं पर हम लोग मीटिंग शुरू कर देंगे। सर, पूर्व में आप MLC रह चुके हैं और भोजपुर के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस को यहां से अगर विधानसभा की बात की जाए तो हमेशा उम्मीदवारी के तौर पर उन्हें दरकिनार, गठबंधन का सरकार है, लेकिन कांग्रेस वहां पर, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने कमजोर हुए कार्यकर्ता अपने आपको कमजोर समझते हैं, उन्हें भागीदारी मिलती नहीं है। सर, इस पर क्या कहना है? सर, क्यों प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, केंद्र समिति के लोग आ रहे हैं? नहीं, पिछले विधानसभा में भी कांग्रेस का एक टिकट मिला था तड़ारी, आप जानते हो जी, वो गठबंधन की रणनीति थी और उस रणनीति के तहत वो टिकट दिया गया कांग्रेस को। फिर जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ कम से कम 2 सीट कांग्रेस को मिले। सर, बिहार की राजनीति जातवाद पर चलती है, जात के हिसाब से वो टिकट नहीं होता है और ना ही कैंडिडेट के हिसाब से, जिस तरह से बक्सर में दिया गया था कैंडिडेट के हिसाब से दिया गया था, वहां से मुन्ना तिवारी उन्होंने अपना परचम लहराया था, लेकिन भोजपुर में आखिर वो चीज क्यों नहीं होता है? कांग्रेस कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस व्यक्ति की राजनीति करती है, जो वर्कर अच्छा है, जो कार्यकर्ता अच्छा है, जो समाज के लिए कुछ करता है, कांग्रेस उसको पहले टिकट देती है, चाहे वो किसी भी जात का हो। जीते या हारे, जीते या हारे तो अलग की बात है, लेकिन जीते हारे अलग की बात है, अभी अभी लेकिन हम लोग जात पात से अलग हट के कांग्रेस का राजनीति। अवस्था में थी कांग्रेस, तो क्या इस परिवर्तन संकल्प रैली से कार्यकर्ताओं में जानकुपी का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का यही प्रयास है, कोशिश है, और आपका हमको सहयोग चाहिए कि हम लोग जो परिवर्तन रैली का हम लोग ने देखिए ना, महंगाई किस कदर बन गया है, दिल्ली की सरकार 2 बार चुनाव जीत गई है, झूठ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ बोल के सरकार बनता है। आप लोग प्रेस के विद्वान हमारे साथी हैं, आप लोग की विद्वता से काम चलता है, और आप देखते हैं कि झूठ किस कदर है। 15 लाख रुपया अकाउंट में जाएगा आपका, हम घर बनवा देंगे, आपका रोड बनवा देंगे, गरीबी आज आपको बताएं कि 65% टैक्स के रूप में भारत सरकार आपसे आज पैसा ले रही है, 30% इनकम टैक्स के माध्यम से और 28% जो है GST के माध्यम से, आपके पॉकेट के सारा पैसा निकल जा रहा है। आप देखेंगे कि अगर सैलरी मिल भी रहा है तो जो महंगाई डाइन खाई जा रही है वो गीत यहाँ पर लागू हो गया है। अब हम आगे कहेंगे कि हमारे अध्यक्ष अशोक जी से भी दो बात जरूर करें। 2014 में जिस तरह से गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा था, उस टाइम पिपली पिक्चर एक रिलीज हुआ, उस टाइम उसका गाना मौजूद था, महंगाई खाए जाए भाई। हाँ, तो ये अपने, लेकिन रक्षाबंधन में स्मृति ईरानी ने 200 रुपए सस्ता हुआ, उन्होंने देशवासियों को बड़ा ही ये किया कि नरेंद्र मोदी ने सभी बहनों को, सभी माताओं को 200 रुपए के किया, इस पर सर क्या करना? फिर ठगने का कार्यक्रम शुरू है। आप देखेंगे कि अगर सोना चांदी की दुकान में हम पीतल को अगर ज्यादा चमका के रख देंगे तो शायद आप सोना को छोड़ के पहले पीतल परचेज कर लेंगे, वही कहानी आप है। ठग जो है दिल्ली का, बांसुरी बजा बजा के ठग रहा है, और हम सब उस ठग के फेरा पड़े, 200 के बदले फिर 800 महंगा करेगा यार। सर, एक आखिरी सवाल, अनिल सर आगे समय में कांग्रेस बिहार में काफी फल फूल रहा था, बड़ी तेज उस टाइम रथ यात्रा निकला था, सब कुछ हुआ था, वापस फिर ये दौर दिख रहा है जिस टाइम कांग्रेस ऊपर की ओर बढ़ रहा है, क्या लगता है? सभी लोग अपने भीतर के मनमुटाव को छोड़कर क्या साथ, एक बार फिर हम लोग मनमुटाव छोड़कर और महागठबंधन के साथ होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग बिहार में तो कम से कम 40 में हम लोग 40 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। बोला बोला,
परिवर्तन संकल्प रैली के माध्यम से हमारा जो संकल्प होगा ये झूठी फ्रेवी ये जो झूठा का कलाकार लोग हैं उनको हम लोगों ने खदेड़ने का संकल्प लेंगे इस परिवर्तन संकल्प रैली में। और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और इनके अलावे जो हमारे दिल्ली और पटना के बड़े नेता हैं इसमें दर्जनों बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं उनको हम लोगों ने स्वागत करेंगे। और ये परिवर्तन संकल्प रैली में जो हमारे देख रहे हैं बड़े भाई डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी पूर्व विधान पार्षद जो यहाँ का अध्यक्ष भी रहे हैं जिला के और प्रदेश में कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं इस कार्यक्रम का ये मुख्य संयोजक यही है इस कार्यक्रम का संयोजक है परिवर्तन संकल्प रैली का ये संयोजक है और इन्हीं के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम सफलीभूत होने जा रहा है। एक चीज बताया कि जिस तरह से अगर बात किया 24 को अगर देखकर बात किया जाए तो भाजपा के द्वारा तमाम चौपर को और तमाम चीजों को पेपर को उन्होंने पहले ही एडवांस देकर बुक कर लिया गया है, इसमें किस तरह से परिवर्तन आप कर पाएंगे क्योंकि विज्ञापन के लिए कोई आपके पास रास्ता नहीं है। देखिए ये सारा अर्थव्यवस्था अपने गोर तर कर लिए है, ये 5 पूंजीपतियों के हाथों में देश को बिक्री कर दिए हैं और उन्हीं से पैसा लेकर के हम लोग देश पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन ये आपसे जो समझ रहे हैं जो मीडिया के लोग जो हैं आप लोग निचली इकाई के मीडिया हैं आपके जो भी जिस चैनल के चाहे जिस हेड है पेपर का उसका मालिक जो है 100% बिक गए हैं और आप लोग उसे हमको कहते हुए ये नहीं हो रहा है कि आप लोग निचले इकाई के हैं सब बात समझते हैं आप चाहते हुए भी ओरिजिनल बात आप नहीं लिख पाते हैं क्योंकि आप भेजिएगा लिख करके तो वो वहां कटवा देते हैं। तो देखिए ये कितने भी 14 मीडिया कर्मी 14 एंकरों को उन्होंने नकारा है कि हाँ वो मेरा कवरेज ना करें आप सर ऐसे कैसे बात जितने 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 ईमानदार एंकर थे जितने ईमानदार पत्रकार थे सबको उन्होंने अपने मीडिया चैनल से निकलवा दिया है। तो ये पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब रह गई बात कि इनका अब झूठ चलने वाला नहीं है अब इनका जो गलत बयानबाजी करते हैं झूठा धासा देते हैं जनता को कि मैं ये कर दूंगा। अभी सर आप कल्पना कीजिए ना ये 2014 में आए थे तो इनको सोचिए कि क्या कहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे 15 लाख रुपए गरीबों के खाता में देंगे काला धन वापस लाएंगे ना आज तक तो काला धन आया ना काला धन किसका है नहीं बता पाए क्योंकि ये बीजेपी का 99% काला धन विदेशों में है इसलिए इन्होंने नाम का घोषणा नहीं कर पाए। और आज तक जो वादा किए छोड़ते गए नया वादा करते गए और इसी तरह से जनता को इन्होंने ठगने का काम किया है। अब जो जनता है वो समझ चुकी है कि ये बंदरों को ये जालियों का हम लोग अब नहीं सहेंगे। देखिए जनता आक्रोश है महंगाई चरम सीमा पर है अरे 200, 400, 100 रुपया की बात करते हैं आप कहा 400 का सिलेंडर मनमोहन सिंह के सरकार में आप लेते थे उसको 1200 रुपया पे चल गया। अब जब चुनाव हार रहे हैं कई जगह चुनाव हारने के बाद अभी 200 रुपया घटाए हैं क्योंकि कपार 5 स्टेट में चुनाव है उसके जस्ट बाद लोकसभा का चुनाव है तो ये ललीपॉप है। अभी महंगाई कहां कम कर पा रहे हैं अर्थव्यवस्था आपका कहां चला गया देख लीजिए। तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं सब जानते हैं हम लोगों का परिवर्तन रैली में हम लोग का देखिएगा जन सैलाब उमड़ेगा और इनके प्रति आक्रोश का वहां प्रदर्शन होगा ये जो दोपहर सोखी सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे युवा नेता राहुल गांधी द्वारा जो हिंदुस्तान में जो नफरत की लहर चल रही है उस नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोले हैं और उसको सफलीभूत करने जा रहे हैं हम लोग उनको मजबूत करने के लिए ये जो नफरत की बाजार जो खुले हुए उनको मिटाने के लिए हम लोग सब लोग एकमत हैं इसीलिए हम लोग का गठबंधन बना है इंडिया जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया ये नारा है इसी नारा के साथ हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। हमारे माननीय पीसीसी के अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी आ रहे हैं और पूरा युवा ब्रिगेड हम लोग राज्य स्तर से और जिला स्तर से 14 प्रखंड से सारे लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे इनके स्वागत के लिए इनके इस परिवर्तन रैली को। और 2024 में नई सरकार की नींव जो है वो भोजपुर जिला से ही शुरू की जाएगी और यहां से हम लोग केंद्र में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो संकल्प हमने लिया है
यंग युवा ब्रिगेड उसको पूरा करने के लिए जिस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर 1857 में जो संग्राम किया था वो संग्राम की शुरुआत जो है यहाँ भोजपुर जिला से होगी और हम लोग इसको पूरा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, ये कागज हुआ है क्या इतिहास दोहराएगा क्या फिर इस सरकार को घाट पीटने का इंडिया काम करेगा? जी बिल्कुल, और ये जो इंडिया गठबंधन है ये कई ये पूरे देश में अपने एलाइज के साथ में ये पार्टियां जुड़ी हैं जो कि बेरोजगारी जो सबसे अहम मुद्दा है आज के युवाओं के लिए, जहां पर आजादी के पहले भी ये स्थिति नहीं थी कि शिक्षा के ऊपर टैक्स लगता था। भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी लगाया है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में जीएसटी बढ़ाया है, कॉपी पेन किताब के ऊपर में, स्कूल बसेस के ऊपर में जो रोड टोल्स था उसको बढ़ाया है। इसके लिए जनता और युवा, खास तौर से जो युवा है वो बहुत ज्यादा खुश हैं, दुखी हैं और अपने पहले वोट को हमारे इंडिया विंग को ही देने जा रहे हैं। इसकी हमें पूरी जो भी आप सर्वे देख रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जहां भी युवाओं का ज्यादा वोट है वहां पर तख्ता पलट हो रहा है और लगातार भाजपा कई राज्यों में हार रही है। आप अपना नया सर्वे भी देख लें, 5 राज्य में होने वाले चुनाव हैं, 5 राज्य में भाजपा की हालत बहुत पतली है और हम लोग इसको यहाँ भी बिहार में और भोजपुर में भी इसको दोहराने जा रहे हैं। पदयात्रा कितना कारगर रहेगा राहुल जी? अभी तक आपने जो भारत जोड़ो देखा यात्रा, उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं उसमें नतीजा साफ है। ये बिल्कुल उनका उनका क्रियाकलाप बताता है कि उन्होंने किस तरीके से लोगों से मिल करके और जुड़ाव किया है और लोगों को जोड़ा है और लोग उनकी बात को गंभीरता से समझ रहे हैं और ये कोई भी ब्रांडिंग के बगैर उन्होंने सेल्फ अपने आप वहां पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी हमने परसों देखा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे कुलियों के साथ में बैठ करके वहां वार्ता कर रहे थे, उनकी समस्याओं को समझ रहे थे। वहां पर भी बेरोजगारी, जहां पर कि रेलवे स्टेशन पर उनका कहना था कि सर हमें भी अब काम नहीं मिल रहा है, हर जगह बेरोजगारी।